देखिए, आज हम सीखने वाले हैं द डिफरेंस बिटवीन टू टू एंड टू. ओके, टू टू एंड टू. सी, ऑल द थ्री टू, दे हैव द सेम साउंड, दे हैव द सेम प्रोनाउंसिएशन. ठीक है, टू टू और टू, ये तीनों चीजें बहुत सही तरीके से अगर आप प्रोनाउंस करेंगे तो दे हैव द सेम प्रोनाउंसिएशन. ओके, दे हैव द सेम प्रोनाउंसिएशन, बट वॉट यू हैव टू डू इज यू नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन ईच ऑफ देम. ओके, सी, बिकॉज क्या है, इसमें सिर्फ स्पेलिंग अलग है, मीनिंग अलग है, सिर्फ और सिर्फ साउंड सेम है. इज दैट वेरी क्लियर? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सिर्फ और सिर्फ साउंड सेम है, अदरवाइज स्पेलिंग भी कंप्लीटली अलग है और मीनिंग भी कंप्लीटली अलग है. ओके, जैसा कि हमने प्रीवियस सेशन में ऑलरेडी सीखा है, एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, दिस टू, ओके, इस टू का मतलब होता है व्हेन यू यूज इट फॉर मोशन. जैसे फॉर एग्जांपल, आई एम गोइंग टू द मार्केट. ओके, आई एम गोइंग टू टॉक टू यू अबाउट दिस. ओके, एट द सेम टाइम, और यू कैन से आई विल जस्ट टॉक टू यू लेटर, या फिर आप कह सकते हैं आई जस्ट वॉन्ट टू सेंड दिस टू यू. मुझे क्या करना है, आई जस्ट वॉन्ट टू सेंड दिस गिफ्ट टू यू. ओके, एट द सेम टाइम, आई वॉन्ट टू ऑर्डर दिस पार्सल फॉर यू सो दैट इट रीचेस टू यू ऑन टाइम, ताकि वो तुम तक जल्दी से पहुंच जाए. इज दैट वेरी क्लियर? तो यहाँ सभी जगह हमने देखा कि टू को हमने मोशन में यूज किया है. ठीक है, सिमिलरली, वेट, यू डोंट कम हियर बिकॉज आई एम कमिंग टू योर प्लेस. तो मैं तुम्हारी जगह आ ही रही हूँ, तुम्हारे घर में आ ही रही, यू डोंट नीड टू कम हियर. इज दैट वेरी क्लियर? तो वो एक चीज हो गई. ठीक है, तो टू हमेशा हम मोशन के लिए यूज करते हैं. फिर है टू, तो ये वाला जो टू है, इसको हम एज वेल के लिए भी यूज करते हैं और एक्सेसिव के लिए भी यूज करते हैं. एज वेल के लिए इन द सेंस, जब हम किसी चीज को बताना होता है ना, कि आई, जैसे मान लीजिए क्या कोई बोलता है कि मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है, तो आप बोलेंगे हाँ मुझे भी बहुत पसंद है, आई टू लव इट, आई टू लव इट. दैट मीन्स हाँ मुझे भी बहुत पसंद है एज वेल. इज दैट वेरी क्लियर? ठीक है, उसके बाद अगर आप बोलेंगे कि एक्सेसिव का मतलब, तो हमने देखा था एक्सेसिव का मतलब होता है कोई भी चीज बहुत ज्यादा, कोई भी चीज बहुत ज्यादा. तो वो कैसे, तो एक्सेसिव हम जब यूज करते हैं उसके लिए हम इस तरह से यूज करते हैं, आई थिंक यू आर टू अपसेट अबाउट दैट पर्टिक्युलर इंसिडेंट, आई थिंक यू आर टू अपसेट अबाउट दैट इंसिडेंट. मतलब आप क्या कहना चाह रहे, कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद तुम उस बारे में कुछ ज्यादा ही परेशान हो. टू अपसेट, इज दैट वेरी क्लियर? ओके, लेकिन आप ऐसा नहीं बोल सकते आई एम टू टू अपसेट, नहीं, तो वो कंफ्यूजिंग हो जाएगा. ठीक है, तो आप इस टू को एक सेंटेंस में, या तो मैं भी, या कोई भी चीज में एड ऑन करने के लिए, कि ये भी, उस तरह से अगर ये चीज आपको बोलनी है तो उसके लिए आप या तो यूज कीजिए, या फिर आप कोई भी चीज बहुत ज्यादा है वो बताने के लिए आप टू यूज कीजिए. इज दैट वेरी क्लियर? सो याद रखिएगा कि एक टाइम पे आप इसे एक ही मीनिंग के लिए एक सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. क्लियर? एंड द लास्ट वन इज नंबर टू, आई हैव टू कॉपीज ऑफ द सेम कॉन्टेंट, आई हैव टू कॉपीज ऑफ द सेम डेटा, आई हैव द कॉपी ऑफ टू, ओके, आई हैव टू कॉपीज ऑफ द सेम कॉन्टेंट, आई हैव टू कॉपीज ऑफ द सेम डेटा. इज दैट वेरी क्लियर? सो याद रखिएगा, नंबर टू, दैट मीन्स हम कोई भी चीज न्यूमेरिकली बात कर रहे हैं, वन टू, टू बुक्स, टू मोबाइल फोन्स, टू बॉल्स, टू बैट्स, टू चॉकलेट्स, टू पिज्जास, एवरीथिंग. व्हेन एवर वी आर टॉकिंग समथिंग इन क्वांटिटी, तो नंबर्स में जब हम बात करते हैं, दैट टू व्हीकल्स आर स्टैंडिंग देयर, टू कार्स आर पार्क्ड देयर. इज दैट वेरी क्लियर? तो उस तरह से क्लियर? तो ये वाला है नंबर टू, दिस इज टू एंड दिस इज टू. क्लियर? सो आई होप यू अंडरस्टूड कि तीनों टू के बीच का डिफरेंस क्या है. ऑल राइट, तो आइए अब हम सेंटेंसेस देखते हैं. ऑल राइट, सो हियर वी हैव द वेरी फर्स्ट फर्स्ट सेंटेंस, टेक टाइम टू थिंक. टेक टाइम टू थिंक, यानी थोड़ा टाइम लो क्या करने के लिए, टू थिंक, किस चीज के लिए थोड़ा टाइम लो, टेक टाइम टू थिंक. क्यों टेक टाइम टू थिंक, ये हम क्यों बोलते हैं? टेक टाइम टू थिंक हम इसीलिए बोलते हैं क्योंकि हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा सोचने के लिए वक्त लो, उस चीज के बारे में सोचने के लिए थोड़ा वक्त लो, थोड़ा सोचो उस बारे में, एंड देन टेक द डिसीजन. इज दैट वेरी क्लियर? तो वो ऐसा कहते हैं कि थोड़ा समय निकालो उस चीज के बारे में सोचने के लिए, थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करो उस चीज के बारे में सोचने के लिए. ऑब्वियसली, व्हेनेवर यू आर थिंकिंग अबाउट योर करियर,
व्हेनेवर यू डोंट से कैरियर, इट्स करियर, करियर. व्हेनेवर यू थिंक अबाउट योर करियर, व्हेनेवर यू टेक एनी इंपॉर्टेंट डिसीजन, जब भी आप अपने करियर के बारे में सोचते हैं, जब भी आप अपने लिए कोई ऐसा डिसीजन लेने जा रहे होते हैं विच इज गोइंग टू इम्पैक्ट योर लाइफ, विच इज गोइंग टू इम्पैक्ट यू, ठीक है, लेटर ऑन आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखने होते हैं, सो फॉर श्योर यू शुड टेक टाइम टू थिंक अबाउट इट. ठीक है, उस बारे में सोचने के लिए आपको जरूर से टाइम निकालना चाहिए. यू शुड स्पेंड टाइम अबाउट थिंकिंग. क्लियर? सो याद रखिए, टेक टाइम टू थिंक हम कब बोलते हैं, जैसे कि देखिए, दिस डील इज गोइंग टू गिव अ ह्यूज रिटर्न जस्ट एट द कॉस्ट ऑफ अ फ्यू लैक्स ऑफ रुपीज. जस्ट टेक टाइम टू थिंक अबाउट इट. ओके, टेक टाइम टू थिंक अबाउट इट. ओके, दैट मीन्स वॉट वी आर ट्राइंग टू से हियर इज दैट दिस डील इज गोइंग टू गिव अ ह्यूज रिटर्न. दिस डील इज गोइंग टू गिव अ ह्यूज रिटर्न. एक्चुअली ये जो डील है, इट इज गोइंग टू गिव यू अ ह्यूज रिटर्न. ये तुम्हें बहुत ही ह्यूज रिटर्न देने वाली है. ओके, इट इज गोइंग टू गिव यू अ ह्यूज रिटर्न. काफी बड़ा रिटर्न तुम्हें इससे मिलने वाला है, प्रॉफिट होने वाला है. बट यू विल हैव टू इन्वेस्ट लैक्स ऑफ रुपीज. यू विल हैव टू इन्वेस्ट लैक्स ऑफ रुपीज एट द कॉस्ट ऑफ लैक्स ऑफ रुपीज. इसका मतलब वो लैक्स ऑफ रुपीज तुम्हें देने होंगे, वो लैक्स ऑफ रुपीज तुम्हारे पास से जाएंगे. ओके, फ्यू लैक्स ऑफ रुपीज यानी कुछ लाखों रुपए तुम्हें देने पड़ेंगे, कुछ लाखों रुपए तुम्हारे पास जाएंगे, लेकिन उसके बदले में इस डील से तुम्हें ग्रेजुअली बहुत फायदा होगा. ओके, सो टेक टाइम टू थिंक अबाउट दिस डील. ओके, टेक टाइम टू थिंक अबाउट दिस डील यानी थोड़ा टाइम लो और इस डील के बारे में सोचो, एंड देन डिसाइड वेदर टू अग्री विद द डील और टू डिसअग्री विद द डील. इज दैट क्लियर? ओके, टेक टाइम टू थिंक. टेक टाइम टू थिंक बिकॉज ऑन योर सिंगल डिसीजन द एंटायर फ्यूचर इज डिपेंडेंट. ओके, थोड़ा टाइम लो सोचने के लिए, बिकॉज इस तुम्हारे एक डिसीजन पे तुम्हारा पूरा फ्यूचर निर्भर है. तुम्हारा पूरा फ्यूचर एक डिसीजन पे निर्भर है, यानी कि तुम जो भी डिसीजन लेते हो उस पर से पता चलेगा. ठीक है, तुम जो भी डिसीजन लेते हो उस पर से पता चलेगा कि आगे तुम्हारा फ्यूचर क्या होना है, वॉट इज गोइंग टू बी योर फ्यूचर एंड हाउ फ्रूटफुल इट इज गोइंग टू बी. ओके, हाउ फ्रूटफुल इट इज गोइंग टू बी, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन योर डिसीजन. इज दैट वेरी क्लियर? तो एक ये सेंटेंस हमने देखे. उसके अलावा इस टू की अगर हम बात करें तो देर आर टू मेनी, देर आर टू मेनी. तो देखिए, यहाँ पे शॉर्ट सेंटेंसेस है, लेकिन मैं आपको इनसे सिचुएशन जुड़ी इनसे जुड़ी सिचुएशन मैं समझाती हूँ. दिस विल नॉट सूट यू बट देर आर टू मेनी ऑप्शंस, गो ट्राई देम. ओके, ये तुम्हें सूट नहीं करेगा, ये तुम्हें सूट नहीं करेगा. आई नो यू लाइक दिस एंड यू चोज दिस फॉर योरसेल्फ, पर ये तुम्हें सूट नहीं कर रहा है. सो बट व्हाई आर यू वरीड? देर आर टू मेनी ऑप्शंस अवेलेबल, देर आर टू मेनी ऑप्शंस अवेलेबल इन द एंटायर शोरूम. गो ट्राई एनी ऑफ योर चॉइस. क्योंकि सी देखिए, वहां जब भी हम शोरूम में जाते हैं, वी आर देयर टू बाय क्लोथ्स, राइट? वी आर देयर टू बाय क्लोथ्स. वहां हम कपड़े खरीदने जाते हैं. कपड़े खरीदने जाते हैं तो जरूरी तो नहीं है ना कि हमें हर कपड़ा पसंद आए. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जरूरी तो नहीं है कि हमें हर कपड़ा पसंद आए, लेकिन हमारे पास जब हमें कोई एक कपड़ा पसंद आ जाता है और किसी वजह वो हमसे हम पे सूट नहीं कर रहा, या हम नहीं ले पाएंगे उसे, या लेना नहीं चाहते, या ले नहीं सकते, वट एवर, कोई भी वजह से आपको वो कैंसिल करनी पड़ती है वो चॉइस. सो देर आर टू मेनी मोर, देर आर टू मेनी ऑप्शन. वहां पे और भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, वहां और भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं. तो यहाँ पे जो टू हमने यूज किया, दैट इज फॉर एक्सेसिव. दैट मीन्स हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, यहाँ हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, शायद उतने कि जितने हम गिन भी नहीं सकते, उतने ऑप्शंस हैं हमारे पास यहाँ पे. ठीक है, सो व्हाई आर यू वरीड? गो ट्राई समथिंग न्यू लाइक दैट. इज दैट वेरी क्लियर? सो देर आर टू मेनी. ओके, आई डोंट अंडरस्टैंड दैट व्हेन यू हैव टू मेनी ऑप्शंस अवेलेबल, व्हाई ओनली दिस? आई रियली डू नॉट अंडरस्टैंड व्हेन यू ऑलरेडी हैव टू मेनी ऑप्शंस अवेलेबल. जब तुम्हारे पास ऑलरेडी इतने सारे ऑप्शंस है, यहाँ पे जो टू हमने यूज किया है, दैट इज फॉर एक्सेसिव. कि जब तुम्हारे पास ऑलरेडी इतने सारे ऑप्शंस है, जब तुम्हारे पास ऑलरेडी इतने सारे ऑप्शंस है, व्हाई व्हाई यू वॉन्ट टू जस्ट सिंपली, क्यों तुम्हें व्हाट टू से? ओके, आई डोंट अंडरस्टैंड.
दैट वाई यू हैव टू मेनी ऑप्शंस अवेलेबल. व्हेन यू हैव टू मेनी ऑप्शंस अवेलेबल, व्हाई ओनली दिस? जब ऑलरेडी तुम्हारे पास इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो ये एक ही क्यों चूज करना है? गो फॉर समथिंग एल्स, गो फॉर समथिंग न्यू. इज दैट वेरी क्लियर? तो टू मेनी मतलब काफी ज्यादा, बहुत सारे, उस तरह से. क्लियर? देन वी हैव द नेक्स्ट सेंटेंस, माई टू पॉकेट्स आर फुल. ओके, माई टू पॉकेट्स आर फुल. फॉर इंस्टेंस, आपने अपने दोनों पॉकेट्स में बहुत सारी टॉफीज भर ली, बहुत सारी टॉफीज आपने रख ली है, तो अब नाउ दे आर फुल एंड यू कैन नॉट पुट एनी थिंग एल्स इन साइड. ओके, आप और कुछ भी नहीं डाल सकते बिकॉज दे आर ऑलरेडी फुल. ओके, सी आई टोल्ड देव टू कीप माई वॉलेट विथ हिम बिकॉज माई टू पॉकेट्स वर फुल ऑफ चॉकलेट्स. आई टोल्ड देव टू कीप माई वॉलेट विथ हिम. ओके, आई टोल्ड देव टू कीप माई वॉलेट विथ हिम बिकॉज माई टू पॉकेट्स वर फुल ऑफ चॉकलेट्स. मतलब मेरी जो दोनों पॉकेट थी, देवर फुल ऑफ चॉकलेट्स. ठीक है, वो ऑलरेडी चॉकलेट्स से भरी हुई थी, इसीलिए आई टोल्ड हिम टू कीप माई वॉलेट विथ हिम. When she said that, please keep my phone in your pocket. Okay, when she said that, please keep my phone in your pocket while we are shopping. So I just told her sorry, but both my pockets, okay, or but my two pockets are completely occupied. When she asked me to keep her phone in my pocket, I told her sorry, but my two pockets are already occupied and I don't have an extra one. ओके, दैट मीन्स मेरे पास सिर्फ दो ही पॉकेट है और वो दोनों पॉकेट्स मेरी ऑक्यूपाइड है. मतलब उन दोनों पॉकेट्स में कुछ ना कुछ पड़ा है. मतलब आई डू नॉट हैव द स्पेस टू कीप योर मोबाइल फोन विथ मी. ओके, सो दैट मीन्स माई टू पॉकेट्स आर ऑलरेडी ऑक्यूपाइड, आई डोंट हैव एन एक्स्ट्रा वन. तो ऑलरेडी मेरी दो पॉकेट है वो ऑक्यूपाइड है और उसके अलावा मेरे पास एक्स्ट्रा पॉकेट नहीं है. इज दैट वेरी क्लियर? सो वहां पे दो पॉकेट की बात हो रही है. यू नो दैट यूजुअली हमारे पास जो क्लोथ्स होते हैं उसमें हमारे पास दो पॉकेट होती है. इफ यू आर वेयरिंग पैंट्स और इफ यू आर वेयरिंग जीन्स, तो उसमें भी आपके पास दो ही पॉकेट होती है. ओके, समटाइम्स आपके पास ऐसी सिचुएशन होती है कि आपकी चारों पॉकेट जो होती है, दे डू नॉट हैव इनफ स्पेस टू कीप समथिंग, राइट? बहुत कम ऐसा होता है कि आपके पास काफी स्पेशियस पॉकेट्स होती है. सो दैट इज, वो इसीलिए होता है क्योंकि आजकल द डिजाइनिंग ऑफ द क्लोथ्स इज डन दैट वे. एट द सेम टाइम यू सी कि जो क्लोथ्स होते हैं दे आर स्टिच्ड दैट वे. इज दैट वेरी क्लियर? सो उस वजह से दे डू नॉट हैव मच स्पेस, इसलिए. क्लियर? सो याद रखिए, टू वहां पे हमारे दो पॉकेट्स की बात हो रही है, वन एंड टू. क्लियर? इस तरह से जब हमारे पास, मान लीजिए जो पैंट्स है, तो उसमें एक पॉकेट, जस्ट अ मिनट, उसमें से हमारे पास एक पॉकेट यहाँ होती है, एक पॉकेट यहाँ होती है. ओके, सो वो हमारे लिए जितना, हम उसमें ऑलरेडी हम हमारा सामान रख चुके होते हैं. क्लियर? सो याद रखिए, ये वन एंड टू, तो यहाँ नंबर की बात हो रही है.